अभी शाम का टाइम है और शाम को ना कुछ बर्तन गंदे थे वो फिर मैंने धोए, और मेरे पति ने देखो बहुत अच्छा काम किया है, ये जो मेरा चाय वाला बर्तन है ना ये जला दिया, और इतना गुस्सा आया ना मुझे, क्या ही बोलूँ। मैं उनके लिए छोड़ दूँगी, वही घिसेंगे और क्या, मैं तो नहीं घिसने वाली, क्योंकि वो तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, कभी दूध जला देते हैं तो कभी मेरा ये चाय वाला जला देते हैं, तो कभी भात जो हमारा चावल बनता है उसका भी जला देते हैं। मतलब उनको एक काम में बोलना ना बोलना सही है, क्योंकि वो हमेशा मेरा काम बिगाड़ते हैं। मतलब कभी कभार अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम के लिए तो बोलना ही चाहिए ना, लेकिन गाइस कि पति लोगों को अगर हम किचन का कुछ काम देते हैं ना वो बिगाड़ देते हैं। और यहाँ पे देखो मेरी मम्मी आई है और ये पता नहीं बहुत कुछ लेके आती है और दिखाती रहती है मुझे, देखो मैंने ये लिया वो लिया, तो फिर मैं बोलती हूँ ठीक है बहुत अच्छा है, तो ऐसा ही चलता रहता है। और अब देखो इसको तो मैं थोड़ा सा घिस दे रही हूँ जिससे कि निकल जाए, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से निकलेगा थोड़ी, क्योंकि जस्ट अभी जलाना, इसको मुझे पानी में भिगो के रखना पड़ेगा, फिर जाके ये जो पापड़ है वो निकलेगा। और यहाँ पे देखो माधव जो कि बहुत ही ज़्यादा शैतानी करने लग रहा है। और अब जो है ना आज मैं बनाने वाली हूँ अपना रेसिपी। और देखो सुबह ना मैं गई थी एक नंबर, तो वहाँ से मैं प्याज खरीद के लेके आई, और बिल्कुल भी प्याज नहीं था घर में, और प्याज लहसुन के बिना मेरे घर में ना कुछ बनता नहीं है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्याज लहसुन मेरे लाइफ का। और ये तो अभी तक निकला नहीं, इसको बस पानी से मैंने भिगो के रख दिया, ये फिर मैं बाद में धो दूँगी या फिर उनसे घिसवाऊँगी। देखो अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जस्ट अभी जो है ना वो जला है, तो धीरे धीरे करके ही वो निकलेगा। देखते हैं कल सुबह वो किस चीज़ से चाय बनाते हैं देखना, फिर दूसरा बर्तन मेरा जलाएंगे वो। तो चलो अभी थोड़ा अपना जो रूम है उसको भी साफ़ करते हैं। तो दोपहर को ना हम लोगों ने छोटा छोटा नैप लिया था, तो नैप लेने के बाद ना फिर क्या होता है कि सारे बिस्तर वगैरह फैले हुए रहते हैं, तो फिर मैंने वो सारे ठीक किए। और मैं ना अपने कंघी से टकिंग करती हूँ, क्योंकि ना एकदम दीवार के साथ ना एकदम सटका हुआ है, तो इसलिए कंघी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। एंड अब जो है ना मैं कुछ कपड़े हैं उनको धोया था, वो सारे कपड़े मैं अभी तय लगा रही हूँ। अगर मैं उन कपड़ों को तय ना लगाऊँ ना तो दिक्कत हो जाता है, तो फिर मैंने उन सारे कपड़ों को तय लगाया। और देखो यहाँ पे माधव कितना परेशान कर रहा है, और फिर मैं उसके पापा को बोल रही हूँ देखो तुम चुपचाप बैठे बैठे, मैं इधर काम कर रही हूँ और तुम वहाँ पर बैठ बैठ कर देख रहे हो। फिर इधर ही मैं चिढ़ा रही हूँ उनको कि यार कम से कम पकड़े तो रहो यार, कम से कम उसको कार्टून तो दिखाओ काम के टाइम, एक तो तुम्हारे ही कपड़े मैं तय लगा रही हूँ, ऊपर से चुपचाप बैठे हो और देख रहे हो, ये गलत बात है ना। तो इसलिए फिर मैंने उनको थोड़ा बोला, और फिर देखो मैंने माधव को थोड़ा डांट लगाया, और फिर उसके पापा को उसके चाचा को सबको मारे जा रहा है। और मैंने सारे कपड़े ना जल्दी जल्दी तय लगाया कि जब तक ये बिज़ी है तब तक मैं अपना सारा कपड़ा तय लगा के अलमीरा में रख के आती हूँ। एक बार अगर मेरे साथ गुस्सा करने लग गया ना माधव तो फिर मेरे सारे कपड़े फेंक देगा उठा के जो मैंने तय लगाए हैं, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट रखा। और आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर।